नमस्कार, आज मैं साइका श्रीपाल, साइका श्रीपाल सुप्रीम यूट्यूब चैनल से कक्षा 8 सूरदास के पद की पाठ प्रवेश के बारे में बताना जा रही हूँ। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्त थे। उनकी कथाया और उनकी कविताएं में भक्ति के बारे में रचाया गया है। इन पदों से सूरदास जी कृष्ण भगवान के बालपन के बारे में बताते हैं। माता यशोदा कैसे बलराम और कृष्ण जी की पालन पोषण करती थी। कृष्ण और बलराम और उनके साथियों जब गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे तो कैसे गोपियाँ बड़े प्यार से माता यशोदा के पास शिकायत करने आते थे। कृष्ण भगवान नटखट थे, बहुत ही शरारती थे और शैतान भी थे, पर और भी और वे बड़े बुद्धिमान भी थे। पर कृष्ण जी सबका लाडला भी थे। एक बार जब कृष्ण भगवान मिट्टी निगल लेते हैं तो माता यशोदा उनको मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहती है। तब जब कृष्ण मुंह खोलते हैं तब यह माता यशोदा को उनकी मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखती है। इसमें कृष्ण जी के माया भी रचाए गए हैं। कृष्ण शैतान तो था पर तब भी बहुत ही अनोखा था। इसमें कृष्ण जी की विरा भी दर्शाया गया है। बलराम कृष्ण और उनके साथियों की कैसे खेलते थे, कैसे माता यशोदा को इतना तंग करते थे, गोपी गोपियों पर कैसे चुगली करते थे, ये सब सूरदास के पदों में दर्शाया गया है। अब और आज मैंने सूरदास की पद की पाठ प्रवेश आप सबको बता दिया है। नमस्कार, साइका श्रीपाल सुप्रीम यूट्यूब चैनल से लाइक शेयर फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब हमारे वीडियोस को, बेल आइकन को दबाए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिले। नमस्कार। ओम जय जिनेंद्रा।